नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीनू और आज हम बात करेंगे कि सेल की शुरुआत कैसे करें। अब तक हमने बहुत सारी बातें की कि हमें सेल्फ कंडक्ट कैसा करना चाहिए या फिर हमें बिहेव कैसा करना चाहिए, कस्टमर के सामने हमारी इमेज कैसी बननी चाहिए, कैसे बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की अब तक के पिछले वीडियोस में। आज हम बात करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट काम कि सेल कैसे शुरुआत करनी है, राइट? क्योंकि आपकी शुरुआत अगर बहुत अच्छी हो, पॉजिटिव नोट पे हो, तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिल सकता है, राइट? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो भी है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं पहले टिप्स पे। तो पहला टिप्स दोस्तों ये है कि आप पहले कुछ सेकेंड्स जो हैं माहौल बनाइए सेल्स का। माहौल इसलिए क्योंकि अगर आप माहौल पॉजिटिव बनाएंगे तो आपको आउटकम भी पॉजिटिव मिलेगा, आपके कस्टमर भी कोऑपरेट करेंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे, राइट? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो जैसे ही आप फेस टू फेस जाते हैं, आप कस्टमर के रूम में इंटर करते हैं या केबिन में, कई बार होता है आप केबिन में जाते हो या फेस टू फेस जब आप मिलते हो, राइट? तो फर्स्ट इम्प्रेशन आप अच्छी सी स्माइल दीजिए। अच्छी सी स्माइल अगर आप देते हैं तो कस्टमर भी आपको रिप्लाई में स्माइल देगा ही देगा, और ये आपकी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत होती है। आपने एक पॉजिटिव माहौल बनाया है, राइट? कहते हैं कि अगर आप सनशाइन लाते हैं, अगर आप किसी को सनशाइन देते हैं तो आपको सनशाइन मिलता है, लेकिन अगर आप किसी को स्टॉर्म देते हैं तो आपको स्टॉर्म बदले में मिलता है। तो आप स्माइल लेकर के एक पॉजिटिव एनर्जी आप रिफ्लेक्ट करते हैं और जो माहौल है उसको पॉजिटिव बनाते हैं, ताकि आप जो बातें करने वाले हो वो भी स्मूथली जाए, क्योंकि आपके कस्टमर का दिमाग भी थोड़ा कूल हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। दूसरा टिप्स है दोस्तों कि अगर पॉसिबल है तो आप कस्टमर के साथ एक सेल्स पर्सन की तरह नहीं, एक एडवाइज़र की तरह, एक हेल्पर की तरह, एक मॉडरेटर की तरह आप मिलें, उसके साथ वैसे रिलेशनशिप बनाएं। ऐसा नहीं हो कि आप जस्ट आप कुछ सामान बेचना चाहते हो या सर्विस बेचना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी ऐसा हो कि हाँ, एक एग्ज़ाम्पल है कि एक शोरूम में, जूते के शोरूम में एक लेडी आई और वो काफ़ी गुस्से में चली गई, काफ़ी भला बुरा कहा और चली गई, सेल्स पर्सन को भी भला बुरा कहा और चली गई। तो मैनेजर ने रोक के बोला कि क्या हुआ मैम? तो मैनेजर को लेडी ने बोला कि तुम्हारा ये सेल्स पर्सन जो है मुझे बोलता है कि आपका एक पैर लंबा है और मेरे लिए कोई जूते नहीं बने हैं, ये वो बहुत सारी बातें वो गुस्से में एकदम बोल रही थी। मैनेजर बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था, बहुत ही अच्छा सेल्स पर्सन था, उसने लेडी को बुलाया, बोला नहीं नहीं मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपको चलिए बहुत अच्छे शूज़ दिखाता हूँ। तो वो जब दिखा रहा था तो लेडी ने खुश होकर दो पैर सैंडल्स लिए और चली गई। तो जो सेल्स पर्सन पहले दिखा रहा था, जिससे लेडी काफ़ी आयरेट हो गई थी, उसने बोला कि आपने ऐसा क्या बोला कि उसने दो दो पैर शूज़ ले लिए? बोला मैंने बस ये बोला कि आपका एक पैर थोड़ा सा छोटा है। और लेडी को बुरा नहीं लगा, लेडी को लगा कि वो उसे काउंसल कर रहा है और उसको एडवाइस कर रहा है, ही इज़ अ गुड एडवाइज़र, ही इज़ नॉट अ सेल्स पर्सन। सोचिए कि अगर आप बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ बेचते हैं, आई एम सेलिंग सिक्योरिटीज़, हाउ इट साउंड्स? और अगर आप बोलते हैं कि आई एम एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, दोनों में काफ़ी काम दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन वर्डिंग्स जो आप चूज़ कर रहे हो उससे लग रहा है कि आप कस्टमर की हेल्प करना चाह रहे हो, कस्टमर को एक्सपर्ट एडवाइस देना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट करती है, मैटर करती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब सेल की शुरुआत करते हैं तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। जब आप कस्टमर से इस तरह से बातें करते हैं, दैट आई एम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, अगर इस तरह के आप
फ्रेजेस या सेंटेंसेस यूज़ करते हैं खुद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए या खुद के बारे में बताने के लिए, तो आप बहुत आपको पता भी नहीं चलता होगा आपने कितना साइकोलॉजिकली इफेक्ट डाला है। एक तो आपका जो सामने वाला कस्टमर है वो काफ़ी साइकोलॉजिकली ईज पे आ जाता है, कंफर्ट जोन पे आ जाता है। दूसरा, आप उसकी नज़रों में रिस्पेक्ट गेन कर लेते हैं, आपको अटेंशन मिलता है और जो सेल्स में जो रेसिस्टेंस आती है वो भी कम हो जाती है क्योंकि आपने काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना दिया है, आपने जो वर्डिंग्स चूज़ किए हैं कस्टमर को काफ़ी ईज पे ला दिया है। ठीक है, आपको अटेंशन मिल रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है और आपका सेल्स ईजी हो जाता है, राइट? जब भी आप शुरुआत करते हैं तो एक काउंसलर की तरह यूज़ करें, एडवाइज़र की तरह यूज़ करें। पॉसिबल जब भी हो तो आप शुरुआत में ही उनको ये बोलें कि आप वहाँ उनको हेल्प करने आए हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात है तो आप उनको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करने आए हैं। अगर आप देखिए, काम तो एक ही हो रहा है कि आप सेल कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटीज़ बेचनी है, आपकी टारगेट्स हैं, ईयरली टारगेट्स हैं, मंथली टारगेट्स हैं, क्वार्टरली टारगेट्स होती हैं, राइट? लेकिन आप जिस तरह से अगर बोलते हैं तो कस्टमर को लगता है कि आप उसको एडवाइस करने आ रहे हैं। और ये सब सारे वर्ड्स जो हैं दोस्तों, और ये सब सारे जो एटिकेट्स हैं या जो हमने टिप्स की बात की है, आप में नेचुरली आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए, कस्टमर को फील नहीं होना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती ये चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नेचुरली आनी चाहिए। और जब भी आप कस्टमर से बात करते तो यू के बारे में बात करें, खुद के बारे में नहीं। आप उनको हेल्प करना चाह रहे हैं, आप अगर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो आप उनको सिक्योरिटीज़ दिलाना चाहते हैं, अगर आप उनको टर्म प्लान दे रहे हो तो आप उनकी फैमिली को सिक्योरिटीज़ देना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो उनको कि आप उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना कर सकते हो। और तीसरी बात और तीसरा टिप्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सेल्स पिच आप अपना शुरू करने से पहले ये ज़रूर से जान लें कि कस्टमर की नीड क्या है, एक्चुअली में वो क्या चाहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको इतना पता चला कि कस्टमर को इंश्योरेंस लेना है लेकिन वो एडवाइस लेना चाहता है, वो खुद के लिए लेना चाहता है, बच्चे के लिए लेना चाहता है, किसके लिए लेना चाहता है। जब तक आपको नीड नहीं पता होगा आप सही से गाइड कैसे करोगे, सही से एडवाइस कैसे करोगे, सही से सजेशन कैसे दोगे, सही से अपनी सेल्स पिच कैसे दोगे। तो उसकी नीड को समझना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नीड होगी तभी तो आप सप्लाई करोगे। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ही आपको नहीं पता है किस चीज़ की है तो कैसे करोगे। तो अब आप बोलोगे कि वो हम समझेंगे कैसे कि नीड क्या है, तो नीड समझने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ है कि जैसे आप अगर किसी कस्टमर से मिलने जा रहे हो, अगर आप उसके बारे में कुछ भी जानते हो पहले से, मान लीजिए अगर उसके बारे में कुछ आपको किसी से इंफॉर्मेशन मिल सकता है तो ऑफकोर्स आप गैदर कीजिए। दूसरा, आप उससे बात कर रहे हैं जब, आप उससे इंटरेस्ट पूछ सकते हैं, सवाल कीजिए। जितने ज़्यादा आप सवाल करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सवाल करेंगे, बट हाँ उसकी ज़रूरत को समझने के लिए आप जितना उनसे बात करेंगे, वो आप उनको जितना सुनेंगे आपको समझ में आएगा उनकी एक्चुअल नीड क्या है। और जब आपको नीड समझ में आ जाएगी तब आप उन्हें आराम से अपनी सेल्स पिच दे सकते हैं और ये काफ़ी पॉजिटिव नोट पे सेल आपका क्लोज होगा, राइट? तो ये दोस्तों कुछ टिप्स थे जो आप अपनी सेल की शुरुआत करने में यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी सेलिंग बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।